डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं अंदर कुमार आजाद और आप लोगों का स्वागत करता हूं एक बार फिर से अपने यूट्यूब चैनल A.S.K.Azad मैकेनिकल इंजीनियरिंग पर। हम लोग यहां पे लेथ मशीन का प्लेलिस्ट देख रहे हैं। इसके प्रथम वीडियो में हम लोगों ने लेथ मशीन के पार्ट्स देखे थे और सारे पार्ट्स को हम लोग डिस्कस कर चुके हैं पिछले वीडियोज में। यदि आप लोगों ने उसको नहीं देखा है तो उसको जाकर देख लीजिए। एक एक पार्ट को मैंने डिस्कस कर रखा है उसमें। ये उसका ब्लॉक डायग्राम था। अगर उससे आपको समझ में नहीं आ रहा है तो आप ब्लॉक डायग्राम से भी समझ सकते हैं। और इसको मैंने पिछले वीडियो में डिस्कस कर रखा था। मैंने लेथ के एक एक पार्ट्स को डिटेल में डिस्कस कर रखा था पिछले वीडियो में। इन सब सारी चीज़ों को हम लोग पिछले वीडियो में ही डिस्कस कर चुके थे। तो इस वीडियो में हम लोग इसके आगे देखना है हमें, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो में हम लोगों को, इस सेकेंड लेक्चर में हम लोगों को देखना है जनरल क्लासिफिकेशंस यूज्ड व्हेन डिस्क्राइबिंग लेथ्स। ये वीडियो शुरू करने से पहले आप लोग अपना डिटेल इंट्रोडक्शन दे दूँ। मेरा नाम है अभिनंदन कुमार आज़ाद। मैंने बीटेक कर रखा है BIT मिश्रा से और मैंने MTEM कर रखा है अपने थर्मल इंजीनियरिंग में। मैं गेट क्वालिफाइड हूँ। मेरा बेस्ट AIR 159 था। इसके अलावा भी मैंने कई बार गेट एग्जाम दिया था। इसके पहले मेरा AIR 381 था। उसके बाद मैंने इसको रिफॉर्म किया और उसके बाद जो मेरा नया था वो 159 था। इसके अलावा मैंने AC भी क्वालिफाई किया, जिसका प्रीलिम्स का क्वालिफाई किया, मेंस लिखा हूँ और फिर मैंने इसको अटेम्प्ट करना छोड़ दिया। अभी मैं आप लोगों को ऑनलाइन टीचिंग देता हूँ, अपना खुद का कोचिंग चलाता हूँ। मेरी फैमिली की 3-3 स्कूलें चलती है तो उसको देखना पड़ता है, तो इन सब चीज़ों में मैं बिजी हूँ अभी। आप लोगों तक थोड़ा सा कम वीडियो ला पाता हूँ क्योंकि इसको रिफॉर्म करना है, एक कोचिंग को स्टेबलाइज करना है, स्कूल देखना है, तो उसमें मुझे समय लगता है। और इन सब चीज़ों का मुझे सारे सब्जेक्ट में एक अच्छा नॉलेज है। UPSC का मैंने प्रिपरेशन भी बीच में किया था सिविल सर्विस एग्ज़ाम के लिए, पर मैं कभी सिविल सर्विस एग्ज़ाम में बैठा नहीं। पर मुझे काफ़ी एक्सपीरियंस हुआ, काफ़ी चीज़ों को मैंने देखा, पढ़ा, सीखा, समझा। अब मैं वही सारे नॉलेज आप लोगों के साथ बांट रहा हूँ। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं जनरल क्लासिफिकेशन यूज्ड व्हेन डिस्क्राइबिंग लेथ। लेथ को अगर डिस्क्राइब करना है तो किन किन चीज़ों के बारे में बताना पड़ेगा ताकि एक लेथ डिस्क्राइब हो जाए, एक लेथ के बारे में पूरा इंफॉर्मेशन आपको मिल जाए। तो ये पहला है आपका स्विंग। सबसे पहला आपका स्विंग, द लार्जेस्ट डायमीटर ऑफ वर्क डैट कैन बी रोटेटेड। आप कितना बड़ा से बड़ा डायमीटर का जॉब वहाँ पे फिक्स कर सकते हो लेथ मशीन पे, ये आपको बताना पड़ेगा। यदि आप एक लेथ मशीन खरीदने जा रहे हो तो वहाँ ये डिस्क्राइब करना पड़ेगा, या फिर जो मशीन आपको मिल रहा है उसमें बताया जाएगा आपको कि मैक्सिमम कितना डायमीटर का आप वर्कपीस को उस लेथ में होल्ड कर सकते हो। नेक्स्ट है आपका डिस्टेंस बिटवीन सेंटर्स। डिस्टेंस बिटवीन सेंटर यानी कि हेड स्ट्रोक और टेल स्ट्रोक के बीच का डिस्टेंस कितना है, दोनों के सेंटर्स के बीच में डिस्टेंस का। द लॉन्गेस्ट लेंथ ऑफ वर्क पीस कितना, मतलब एक तो पहला आपने देखा कि उसका डायमीटर कितना होना चाहिए, कितना मैक्सिमम डायमीटर का मैं वर्क जॉब को मैं यहाँ पे उस पर हम वर्किंग कर सकते हैं। दूसरा है उसका लेंथ मैक्सिमम हम कितना रख सकते हैं। तीसरा है लेंथ ऑफ बेड। अगर आप एक लेथ मशीन को खरीदने जाते हो तो उसमें लेंथ ऑफ बेड आपको बताया जाएगा। तो यही होता है रिलेटेड टू द डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर्स। डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर्स वो एक्चुअली वो बराबर होता है लेंथ ऑफ बेड के, ठीक है। आपका डिस्टेंस बिटवीन सेंटर्स एक और चीज़ है। डिस्टेंस बिटवीन सेंटर्स क्या है, द लॉन्गेस्ट लेंथ ऑफ वर्क पीस। और लेंथ ऑफ बेड क्या है, रिलेटेड टू द डिस्टेंस बिटवीन सेंटर्स के से ही रिलेटेड होता है लेंथ ऑफ बेड, ठीक है। नेक्स्ट है पावर। पावर आपको बताना पड़ेगा कि कितना पावर कंज्यूम करता है, कितनी पावर किसको जरूरत पड़ेगी। द रेंज ऑफ स्पीड्स, इसमें क्या क्या चीज़ें बताना पड़ेगा, स्पीड्स, फीड्स उसका, और उसका हॉर्स पावर अवेलेबल, ये आपको बताना पड़ेगा किसी भी लेथ मशीन को डिस्क्राइब करने से केवल लिए। नेक्स्ट आपको देखना है ये है आपका नंबर ऑफ स्पिंडल स्पीड। जैसे आप लोगों ने प्रिफर्ड नंबर करके पढ़ा होगा आप लोगों ने, ठीक है, कई जगहों में पड़ता है। जैसे आप जूता चप्पल आप खरीदने जाते हो तो हर साइज का जूते चप्पल नहीं मिलते, उसी प्रकार से हर स्पीड पर स्पिंडल नहीं नच सकता, ठीक है। एक कुछ प्रेफर्ड साइज है, स्टैंडर्ड साइज है, और उस स्टैंडर्ड साइज को निकालने का तरीका भी है, यानी किस बेसिस पे स्टैंडर्ड साइज बनाए गए हैं, वो सारी चीज़ें हैं। द नंबर ऑफ स्पिंडल स्पीड इज अ ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में होता है जनरली, ठीक है। इफ एन नंबर ऑफ स्पिंडल स्पीड इज रिक्वायर्ड विथ N1 इज द मिनिमम स्पीड, देन देखो इस प्रकार ज्योमेट्रिक का प्रोग्रेशन एक प्रकार से है कि अगर मिनिमम स्पीड आपका दे सकते हैं आप N1, तो सेकेंड आप दे सकते हैं N1R, थर्ड आपके पास अवेलेबल स्पीड है N1R2, फोर्थ आपके पास अवेलेबल स्पीड है N1R3। उसी प्रकार से आपके पास अवेलेबल अगर N आपके पास स्पिंडल है, ठीक है, तो आपके पास जो आपके पास मैक्सिमम
जो आपके पास स्पीड, आप स्पिंडल स्पीड जो गेन कर सकते हो है एन वन आर पर पावर एन माइनस वन, ठीक है, जहाँ पे आर वन क्या है भाई, मिनिमम आप स्पीड है, और आर वन आर पर पावर एन माइनस वन ये आपका मैक्सिमम स्पीड है, ठीक है। यहाँ पे अगर हम बात करें, थोड़ा सा यहाँ पे ओवरलैप हो गया है, उसको हम लोग देख लेते हैं। यहाँ पे बात होती है आपका स्टेप रेशियो का। स्टेप रेशियो क्या होता है, मैंने कि एक से दूसरे स्टेप पे जाने के बाद आपका कितना से स्पीड बढ़ जा रहा है, ठीक है, कितना गुना स्पीड हो जा रहा है, यानी कि आर का वैल्यू, सीधी सीधी बात करें तो स्टेप रेशियो आर के वैल्यू को कहते हैं। आर क्या होता है भाई, तो एन मैक्स, एक्चुअली दोनों के बीच का रेशियो है, देख ही रहे हो, तो भाई इन दोनों के बीच का रेशियो कैसे निकालोगे, दो स्पीड आपके पास थोड़ा ना पता है, आपको बस मैक्सिमम स्पीड पता होता है और मिनिमम स्पीड पता होता है, तो इससे निकालना होता है। तो एन मैक्स, ये तो आप जो भी आपने ज्योमेट्री का प्रोग्रेशन पढ़ा होगा, जीपी पढ़ा होगा ट्वेल्थ में, उन सभी लोग कर सकते हैं। तो एन एन मैक्स बाई एन मीन, और इस पे आपको दे देना है पावर कितना, वन अपॉन एन माइनस वन, क्योंकि जितना मैक्सिमम नंबर तक गया है, कितना तक गया है, एन माइनस वन तक गया है, तो उससे वन अपॉन एन माइनस वन से आपको डिवाइड कर देना है, आंसर निकल के आ जाएगा, तो ये आपको करना है। तो ये फॉर्मूला यहाँ पे है, आपको दिख गया होगा। उसके बाद है द वैल्यू ऑफ स्टेप रेशियोज, जो स्टेप रेशियोज के जनरली वैल्यूज होते हैं वो होता है 1.06, 1.12, 1.26, 1.41, 1.58 एंड 2, ये आपके जो कॉमन स्टेप रेशियोज हैं वो हैं आपके, ठीक है। चलिए नेक्स्ट वीडियो पे चलते हैं, कुछ क्वेश्चन है जो ESC में पूछा गया है 2001 में, तो ये सब क्वेश्चन को मैं आंसर अभी नहीं बताता हूँ, आप लोग कमेंट सेक्शन में बताते जाइए, ठीक है। और लास्ट में मैं इस वीडियो के लास्ट में, इस वीडियो के लिए पूरा प्लेलिस्ट खत्म हो जाएगा, तब उसके लास्ट में मैं इसके आंसर बताऊंगा, तो उससे आप मैच कर सकते हो, तुरंत का तुरंत आंसर बता दूंगा, तो आप लोग यहीं से ही कॉपी कर लोगे, फिर आप लोग आंसर बताओगे नहीं, तो आंसर पहले बताइए आप लोग कमेंट सेक्शन में, आंसर इसका बताइए मुझे, और मैं उसका आंसर आपको फाइनल वीडियो में बताऊंगा। जैसे क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन मैं आपके लिए पढ़ देता हूँ। द स्पिंडल स्पीड रेंज इन अ जनरल पर्पस लेथ इज डिवाइडेड इनटू स्टेप्स व्हिच अप्रोक्सीमेटली फॉलो, किसको फॉलो करता है, सिंपल सा है, अभी भी आंसर बताया है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, हार्मोनिक प्रोग्रेशन या लॉरेंट्ज़ियन प्रोग्रेशन, ये तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है। तो ESC में बहुत आसान क्वेश्चन आते हैं, खासकर प्रीलिम्स में, मेन से बड़े बड़े न्यूमेरिकल क्वेश्चन आते हैं, उसके लिए भी हम लोग तैयारी करेंगे, पर ये आसान सा चीज़ें हम लोग जो पढ़ रहे हैं उसको देखते चले जाते हैं, और यही प्रीलिम्स वाले क्वेश्चन ही आपको जो छोटे मोटे आपके एग्जाम्स होते हैं, जितने स्टेट लेवल के एग्जाम्स होते हैं, ये सब क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रिपीट होता रहता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन एक और आया, IAS क्वेश्चन है वो 1992 का। फीड गियर बॉक्स ऑफ अ स्क्रू कटिंग लेथ इज डिजाइन ऑन द बेसिस ऑफ, किस बेसिस पर डिजाइन होता है, सेम ही क्वेश्चन को अलग ढंग से पूछा गया है, ठीक है। तो बहुत ही आसान क्वेश्चन, जरा कमेंट सेक्शन में बताइए, कमेंट सेक्शन में जरा बताएं। नेक्स्ट है आपका टर्निंग, लेथ मशीन पर जो ऑपरेशन होता है टर्निंग ऑपरेशन होता है, उस टर्निंग ऑपरेशन को हम लोग देखना चाहते हैं कि टर्निंग ऑपरेशन क्या है, ठीक है। तो पहले जान लीजिए टर्निंग ऑपरेशन क्या है। टर्निंग प्रोड्यूस अ स्मूथ एंड स्ट्रेट आउटसाइड रेडियस ऑन अ पाथ, ठीक है। टर्निंग देखो, ये टर्निंग ऑपरेशन कर रहा है, टर्निंग आपने किया भी होगा वर्कशॉप में, तो क्या करते हैं इसमें, प्रोड्यूस अ स्मूथ एंड स्ट्रेट आउटसाइड रेडियस ऑन अ पार्ट, किसी पार्ट पे का हम रेडियस देखो, रेडियस पहले कितना था, ये था D1 था, अब घटा के हमने क्या किया D2 कर दिया, तो ये आपका प्रोसेस क्या कहला रहा है, टर्निंग प्रोसेस कहला रहा है। इसमें देखिए फीड आप इधर देते जा रहे हो और डेप्थ ऑफ कट किधर देते हो, अंदर की ओर, डेप्थ ऑफ कट आपने धीरे धीरे देते कहाँ तक कर दिया इसका डायमीटर, अगर आप अगर 2 mm का डेप्थ ऑफ कट देते हो तो उसका डायमीटर कितना कमेगा, 4 mm उसका डायमीटर कम जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से काट के इतना लेंथ तक देखो काट दिया गया है, वर्क पीस इस प्रकार से रोटेट हो रहा है, वर्क पीस रोटेट होता है आपका टूल वहीं पे खड़ा रहता है, बस हम धीरे धीरे अंदर की ओर फीड देते चले जाते हैं ताकि धीरे धीरे कटता चला जाती है, टर्निंग ऑपरेशन होता है। तो जिन्होंने भी वर्कशॉप किया होगा उनको पता ही होगा। नेक्स्ट है आपका थ्रेडिंग ऑपरेशन, सारे ऑपरेशन लेथ मशीन पे होते हैं तो थ्रेडिंग ऑपरेशन को भी देखते हैं। थ्रेडिंग ऑपरेशन क्या है भाई, द कटिंग टूल इज मूव्ड क्विकली कटिंग थ्रेड्स, जो थ्रेड काटा जाता है ठीक है, तो उसको हम थ्रेडिंग प्रोसेस कहते हैं, और ये लेथ मशीन पे होता है। इसमें स्क्रू रोड इस्तेमाल में आता है, जो नीचे आपका दो दो रोड आपको लगा रहता है आपका लेथ मशीन में, वो इस्तेमाल में आता है जो मैंने दिखा रखा था। ये देखिए कटिंग टूल में कोई अंतर नहीं है, कटिंग टूल वही होता है, फीड डायरेक्शन आपको दिया खाया गया है, वर्कपीस का रोटेशन का डायरेक्शन दिखाया गया है, लेंथ दिखाया है जहाँ तक कटिंग हो चुका है, ये पिच कराता है, दो थ्रेड के बीच का डिस्टेंस क्या कराता है, पिच कराता है। तो वो सारे इन्फॉर्मेशन यहाँ पे दिए गए हैं।
उसके बाद एक वीडियो था, वीडियो यहाँ पे आया नहीं, वीडियो यहाँ चल भी नहीं सकता है क्योंकि ये पीपीटी वाला है, उसमें वीडियो नहीं चल सकता है। नेक्स्ट हम लोग यहाँ देखते हैं, देखिए गियर सिस्टम है आपका लेथ मशीन का, ठीक है, कि थ्रेड कटिंग में या जो गियर कैसे काम करता है, तो ये उसका एक डायग्राम है जिसको आप देख के समझ सकते हो। देखो अंदर कैसे कनेक्ट होता है, आखिर थ्रेड कैसे करता है, करता है थ्रेड में, देखिए ये, देखिए ये है लीड स्क्रू, इसी की मदद से हम थ्रेड काट पाते हैं। और ये लीड स्क्रू किस कैसे चलता है, देखो ये गियर से कनेक्ट होता है एक, ठीक है, एक गियर, फिर ये एक गियर है जिसको हम Z4 कहा गया, ये एक अलग गियर से कनेक्टेड है, ठीक है, जिससे क्या हो सकता है स्पीड रेशियो हम बढ़ा घटा सकते हैं, ठीक है। Z3 भाई सेम शाफ्ट पे किससे कनेक्टेड है, Z2 से, ठीक है, और Z2 के बाद किससे कनेक्टेड है भाई, Z1 से, और फिर आगे इस प्रकार से ढेर सारे आपके गियर कनेक्टेड हैं। इन ये गियर कौन सा गियर कहलाता है, चेंज गियर्स, और ये रिवर्सिंग गियर, ये रिवर्सिंग गियर से कौन कनेक्टेड है, आपका चक कनेक्टेड है, चक वही है, चक है जिसमें आप वर्कपीस होल्ड करते हो, ये देखो वर्कपीस होल्ड है जिस पे थ्रेड कट रहा है, और थ्रेड इसी के साथ कनेक्टेड, ये टूल है, टूल मोशन इस पे कर रहा है, ये लीड स्क्रू पे, ठीक है, और वो कटिंग करता जा रहा है आगे की ओर, बढ़ बढ़ के काटता जा रहा है, तो एक दूसरे से फिर मैकेनिज्म काम करता है कि दोनों को कंट्रोल करता है, ये गियर के थ्रू दोनों कनेक्टेड होते हैं, ठीक है, कि जैसे ये मोशन करेगा उसी प्रकार से यहाँ पे भी आपको उसी प्रकार से घुमाते जाना है, कितना इधर मोशन किया है, कितना घूम गया है, कितना इसको आगे बढ़ना है, ये कौन डिसाइड करता है, ये गियर बॉक्स डिसाइडेड करता है, ठीक है। कैरेज का मोशन है कि कैरेज भाई कितना आगे पीछे हुआ है, ये आपको थ्रेड पे आगे पीछे होता है, देखो देखो दिखा रखा है कि यहाँ पे एल मोशन किया तो वहाँ पे एल कटा, ठीक है, तो इस प्रकार से आपका इस थ्रेड कटता है, ठीक है, पर इतना डिटेल में आपको जानने की जरूरत है नहीं, ठीक है। तो देखिए थ्रेड के बारे में कुछ और जान लेते हैं। इन वन रेवोल्यूशन ऑफ द स्पिंडल कैरेज मस्ट ट्रेवल द पीच ऑफ द स्क्यू थ्रेड टू बी कट, ठीक है, एक रिवोल्यूशन स्पिंडल के एक रिवोल्यूशन में आपका कैरेज क्या होता है, कितना चल जाना है, इतना चल जाना है जितना पीच आपको काटना है थ्रेड पे, स्क्रू थ्रेड पे, वो उसके उतना डिस्टेंस के बाद उसको चल जाना है। तो एक फॉर्मूला आ जाता है, क्या जाता है, NSPZS, ये किसके बराबर होता है, NLLZL, इसके बराबर हो जाता है। मैकेनिज्म उसमें सेट है, ठीक है, आपके लेथ में सेट होता है जिसको आप यहाँ से देख सकते हैं। पी क्या है भाई, पिच ऑफ द स्क्रू थ्रेड टू बी कट, जो आपका काटना है थ्रेड उसका पिच है ये पी, ठीक है, जो यहाँ पे यूज करना है। एल क्या है, पिच ऑफ द लीड स्क्रू, लीड स्क्रू का पिच इधर आएगा, सब जो भी लीड स्क्रू का है इधर आएगा, जो काटना है आपका इस साइड आएगा। जेड एस क्या, नंबर ऑफ स्टार्ट ऑफ द स्क्रू थ्रेड टू बी कट, नंबर ऑफ स्टार्ट ऑफ द स्क्रू थ्रेड टू बी कट, कितना आपका स्क्रू थ्रेड काटना है उसका नंबर है। जेड एल क्या, नंबर ऑफ स्टार्ट ऑफ लीड स्क्रू, और एक आई सी जी है, यह है क्या, गियर रेशियो ऑफ स्पेंडल, यानी कि एन एस टू द कैरेज एन एल, गियर का ट्रेन का जो उसका है उसका रेशियो है ये। तो यह आपका थ्रेडिंग, थ्रेडिंग का पूरा प्रोसेस। क्वेश्चन भी इस पर आया है, क्वेश्चन भी हर जगह से आता रहा है, IAS 1998 में इससे क्वेश्चन आया था। अ सिंगल स्टार्ट थ्रेड ऑफ पिच 2 mm इज टू बी प्रोड्यूस्ड ऑन द लेथ हैविंग अ लीड स्क्रू विथ अ डबल स्टार्ट थ्रेड इज पिच 4 mm, द रेशियो ऑफ स्पीड बिटवीन द स्पिंडल एंड लीड स्क्रू फॉर दिस ऑपरेशन इज, तो आपका इन दोनों का रेशियो निकाल के बताना है, तो आंसर बताइए कमेंट सेक्शन में। मैं इसका एकदम सबसे लास्ट जो वीडियो बनाऊंगा इस प्ले लिस्ट का, यानी कि लेथ जब लास्ट करूंगा तब जाके मैं सारे क्वेश्चन का आंसर आपको दे दूंगा, तो सारे कमेंट में बताइए मुझे आंसर, उसके बाद मैं इसके आंसर्स दूंगा। नेक्स्ट आपका है, एक और क्वेश्चन आया था IAS 1993, और इसरो में भी वही सेम क्वेश्चन रिपीट हो गया, तो ESC वाले सेम क्वेश्चन अलग कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में भी रिपीट करते रहते हैं। इट इज रिक्वायर्ड टू कट अ स्क्रू थ्रेड ऑफ 2 mm पिच ऑन अ लेथ, ठीक है, द लीड स्क्रू हैज अ पिच ऑफ 6 mm इफ द स्पिंडल स्पीड इज 60 rpm देन द स्पीड ऑफ द लीड स्क्रू विल बी, तो ये आपको बताना है, चार ऑप्शन है आपके पास, इसका आंसर बताइए जल्दी से, दोनों को बताइए, दोनों का आंसर कमेंट सेक्शन में लिखिए। इस वीडियो में इतना ही रखूंगा, ठीक है, आप आंसर बताइए और अगले वीडियो में उसका जवाब पाइए, ठीक है। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सबों का। अगले वीडियो में हम फेसिंग देखेंगे, लेकिन वो अगले वीडियो में देखेंगे। इस वीडियो को आप लोग अधिक से अधिक शेयर करें, रिकमेंड लोगों को करें, फेसबुक व्हाट्सएप ट्विटर जहाँ पर भी आप हैं वहाँ पर इसको शेयर करें।
अपने दोस्तों को बताएं जो लोग कोचिंग नहीं कर पा रहे हैं, खुद से बैठ के तैयारी कर रहे हैं, या फिर जो बच्चे आपके छोटे भाई बहन कॉलेज में पढ़ रहे हैं उसके लिए आप जानते हैं कॉलेज में कैसी पढ़ाई होती है, तो उन बच्चों को आप ये बता सकते हैं, उन बच्चों तक ये इन्फॉर्मेशन पहुँचा सकते हैं, उनकी बहुत ही हेल्प हो जाएगी। एग्जाम भाई थर्ड ईयर फोर्थ ईयर था कॉलेज में के साथ ही चीज़ों को यदि वो पढ़ते जाएंगे उस लेवल पे ESC के लेवल पे, तो 4 साल में वो कंपिटेटिव एग्जाम के लिए तैयार हो जाएंगे ना। जैसे ही वो पाँचवें वो फोर्थ ईयर कंप्लीट करेंगे गेट ESC का एग्जाम देंगे और उसको क्वालिफाई वो कर लेंगे। तो ठीक है, आप लोग उम्मीद करता हूँ शेयर करेंगे, क्योंकि शेयर करेंगे तो मैं इस वीडियो को आगे कंटिन्यू करूँगा, जल्दी जल्दी मैं इसके कोर्सेज ऐड करता रहूँगा, जितना जल्दी हो सके मैं अगला इसके लेक्चर्स लेके आऊँगा, वरना अगर आप डिले करेंगे कुछ व्यूज नहीं आएंगे तो फिर मैं रोकूंगा इसको और दूसरे पार्ट पे जाऊंगा, क्योंकि साथ साथ में 2 पार्ट चल रहा है, एक हिंदी ग्रामर का भी चल रहा है, यदि आप उसकी भी ज़रूरत है आपको तो उसको भी देख सकते हैं। बहुत सारे इंजीनियर्स क्या होते हैं जनरल कंपटीशन की ओर जा रहे हैं, और जैसे भी जो भी स्टेट लेवल के एग्जाम्स हैं उसमें हिंदी ग्रामर पूछता है तो वहाँ जा रहे हैं बच्चे, ठीक है। तो उसके लिए भी मैं वीडियो बना रहा हूँ, सारे कंपटीटिव एग्जाम्स को पॉइंट करके जो क्वेश्चन पूछा जाता है उसी क्वेश्चन में मैं वीडियो बनाता हूँ। जैसे यहाँ पे देख रहे हो एकदम टू दी पॉइंट पढ़ा रहा हूँ, अभी चीज़ एग्जाम में आ रहा है वही चीज़ मैं पढ़ा ही रहा हूँ जो एग्जाम में आता है। इधर से पढ़ने के तो बहुत सारी चीज़ें अपने कॉलेज में पढ़ाई होगा ढेर सारी चीज़ें, पर यहाँ पे मैं वो सब चीज़ें नहीं कर रहा, एकदम टू दी पॉइंट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ाना है, ठीक है। उतना ही देखिए और ये बिल्कुल समय बर्बाद नहीं करना है, जहाँ पे भी आपको लगे कि भैया ये सब चीज़ें हम जानते हैं वहाँ पे स्किप कर सकते हैं, या फिर जो चीज़ बताया जा रहा है उसकी आपको ज़रूरत नहीं है तो वहाँ पे भी आप स्किप कर सकते हैं, ठीक है। तो ये सब चीज़ें आप कर सकते हैं। कुछ हम नोट्स देख लेते हैं, अगर नोट्स आपको देखना है तो ठीक है। जैसे कि इसका आंसर आपको दिख सकता है, इसका आंसर आपको साथ में लिखा हुआ है, ये हम लोग देख चुके थे हम लोग वीडियो, ठीक है। इसका भी आंसर आपको देख सकते हैं आप साइड में, आपको यहाँ पे आंसर लिखा हुआ नज़र आ रहा होगा, ठीक है। तो यहाँ आपको आंसर लिखा हुआ नज़र आ रहा है तो वहाँ से आप आंसर देख सकते हैं। इसके बारे में और भी चीज़ें आप लोग देख सकते हैं, कॉमन एम्प्लॉयड 3 ये सब आपको इम्प्लाई किया जाता है, अप्लाइड होता है, ठीक है। तो ये आपको एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है। चलिए यहाँ पर हम लोग ख़त्म करते हैं इस वीडियो को, बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का, थैंक यू वेरी मच। इस लेसन में, इस वीडियो में इतना ही था, आप इसको चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए यदि नए हैं तो, और वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबों का, इस वीडियो में इतना ही था, थैंक यू वेरी मच।